नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और पूरा का पूरा परीक्षा की रेंज में रहे, इसके लिए हम थोड़ी सी रणनीति उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट की बनाते हैं। या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तमाम प्रश्न हमारी रेंज में रहे तो हमारा वही फॉर्मूला काम करेगा जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, 5W1H का। 5W1H को एक बार मैं फास्टली आपको रिवाइज ओवर करवा देता हूं। 5W1H, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, ये 5W हो चुके हैं और 1H की मैंने बात की, प्लस 1H। 1H का मतलब है हाउ, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता व्हेन यानी कब, इसके समय से संबंधित तमाम डायमेंशंस को देखना होगा, अर्थात इसका उत्थान कब हुआ, इसका विकास कब हुआ, इसका पतन कब हुआ और विभिन्न विद्वानों ने इससे संबंधित कौन कौन सी समय सीमाएं दी हैं उनको भी हम देखेंगे। वेयर अर्थात इसके स्थान स्थलों से संबंधित बातों की चर्चा हम वेयर वाले डायमेंशन में करेंगे। हु से संबंधित चीजें यहां पर कम है, लेकिन है जरूर कि किन प्रजाति के लोग यहां पर थे तो उनकी चर्चा हु के अंतर्गत करेंगे। वाई, वाई अर्थात इसका उत्थान क्यों हुआ, इसका पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन चीजों को हम देखेंगे। हाउ, हाउ के अंतर्गत पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रक्रिया को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इन 6 डायमेंशन में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी सवाल हमारी रेंज में रहेंगे। अब जरा हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके नामकरण से संबंधित। ये जो सभ्यता है, सभ्यता किसे कहते हैं यह भी हम देखें, नहीं तो पता चला कि पूरी रामायण हमने पढ़ ली लेकिन हमें यह पता नहीं कि राम मर्रा की रावण वाला। सभ्यता, सभ्यता मानव का भौतिक पक्ष है, मानव का भौतिक पक्ष है। इस भौतिक पक्ष के अंतर्गत उसका रहन सहन के अलावा खान पान, उसका स्थापत्य, जो जो चीजें हमें दिखाई देती है, अर्थात जो चीजें हमें दिखाई देती है वह मानव का भौतिक पक्ष है। और वहीं हम देखते हैं कि मानव का एक पक्ष और है जिसे हम कहते हैं अभौतिक पक्ष, अभौतिक या आंतरिक पक्ष। अभौतिक या आंतरिक पक्ष के अंतर्गत हम रखते हैं संस्कृति के पार्ट को। संस्कृति के पार्ट को हम अभौतिक या आंतरिक पक्ष के अंतर्गत रखते हैं, जहां पर आप सीधे शब्दों में कह सकते हो संस्कृति के अंतर्गत हमारे विचार, दर्शन, सिद्धांत, ये चीजें आती है। तो संस्कृति का पक्ष हो जाएगा हमारा आंतरिक पक्ष, मानव का आंतरिक पक्ष, जिसके अंतर्गत विचार, दर्शन, सिद्धांत की बात की जाती है। और मानव का जो भौतिक पक्ष है वो सभ्यता के अंतर्गत आता है, जो रहन सहन, खान पान, स्थापत्य निर्माण, इन चीजों में दिखाई देता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सभ्यता संस्कृति का ही एक पार्ट है और संस्कृति मानव के संपूर्ण जीवन के सभी गुणों के ऊपर अपना आधिपत्य रखती है। तो इस तरीके से हमने सभ्यता और संस्कृति को बहुत ही शॉर्टली समझा। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की।
सिंधु घाटी शब्द की, चूंकि इस सभ्यता के आरंभिक स्थल सिंधु घाटी में पाए गए इसलिए इसका नामकरण सिंधु घाटी किया गया। इससे पूर्व हम देखते हैं कि ऐसा इतिहासकारों के बीच में एक सिद्धांत है कि यदि किसी स्थल की, किसी सभ्यता के प्रथम स्थल की जो खुदाई होती है उस प्रथम स्थल के आधार पर उस पूरी की पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसी आधार पर कहा जाता है। और सिंधु नदी के किनारे सिंधु की घाटी में सारे के सारे स्थल मिले हैं इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। परंतु कालांतर में पता चला कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक सीमित नहीं है, यह तो लगभग एक पूरे के पूरे उत्तरी भारत, जिसमें क्या है कि पूर्वी भारत को छोड़ दिया जाए, अफगानिस्तान से लेकर के और गुजरात महाराष्ट्र तक के क्षेत्र में पूरी की पूरी सभ्यता का विस्तार है। फिर यहाँ पर नामकरण को यही रखा गया कि या तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, और इसका उपयोग जो उचित नाम है वो नहीं मिल पाया तो यही नाम रखा गया अंतिम रूप से। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, हमने नामकरण देख लिया, अब सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य पक्षों पर आने के साथ में हम इसकी शुरुआत करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता, चार्ल्स मेसन ने, जिसे आईवीसी भी कहा जाता है शॉर्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी। चार्ल्स मेसन ने आईवीसी की जानकारी दी। तो एक बात तो ये हुई कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने आईवीसी की जानकारी दी, सर्वप्रथम जानकारी दी। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं 1856 ईस्वी में ब्रिटन बंधुओं में जो दो भाई हैं, एक का नाम जॉन ब्रिटन और दूसरे का नाम विलियम, तो 1856 ईस्वी में ब्रिटन बंधुओं ने इसके महत्व को बताया। तो यहां पर दो बात स्पष्ट रूप से आती है, एक तो है चार्ल्स मेसन की बात जिन्होंने सर्वप्रथम जानकारी दी, और दूसरा है ब्रिटन बंधु जिन्होंने इसके महत्व को बताया। अब जरा हम आगे बढ़े फिर वापस, अलेक्जेंडर कनिंगम एक तीसरा नाम आता है, अलेक्जेंडर कनिंगम। यहां से सवाल आते रहते हैं इसलिए आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। एक बात यह हुई, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। तो यहां तीन नाम महत्वपूर्ण हुए, एक चार्ल्स मेसन का, दूसरा ब्रिटन बंधुओं का और तीसरा अलेक्जेंडर कनिंगम का। तो ये तीन इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण हुई। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, आईवीसी विश्व की
प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, सभ्यताओं में से एक है। एक बात तो ये हुई, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता यह वर्तमान में इराक में दजला और फरात नदियों के बीच स्थित थी। राइट, हमने मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में भी तुलना कर दी। यहीं पर हम देखते हैं मेसोपोटामिया, चीनी सभ्यता, मिस्री सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभी सभ्यताएं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। अब जरा हम आगे बढ़े कि ये जो आईबीसी सभ्यता है विश्व की सबसे विस्तृत, सबसे विशालतम सभ्यता है। अगले पॉइंट पर हम इस बात को लें, आईवीसी विश्व की विशालतम भौगोलिक स्तर पर विशालतम सभ्यता है। अनुसंधानों के अनुसार इसका क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। नवीनतम शोधों के अनुसार अनुसार यह क्षेत्रफल 15,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके 400 से अधिक स्थल हैं, जिनमें से 200 से अधिक गुजरात में है। ये इसका भौगोलिक विश्लेषण हमने किया कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की विशालतम सभ्यता है।
इतनी बड़ी सभ्यता कोई भी सभ्यता नहीं थी। और इन अनुसंधानों के अनुसार 12,99,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अभी जो रिसेंटली नवीनतम शोध हुए हैं उनके अनुसार 15,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 400 से अधिक स्थलों की खुदाई की जा चुकी है, जिनमें से 200 से अधिक स्थल तो अकेले गुजरात में है। इस आधार पर इसके नामकरण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि 200 से अधिक स्थल तो सिंधु घाटी से या सिंधु नदी के से दूर स्थित हैं। तो इस तरीके की बात सामने आती है। अब जरा हम इसके विस्तार को नक्शे के माध्यम से देखें। ये हमने भारत का एक नक्शा बनाने का प्रयास किया। यहां मांडा है, मांडा है और मांडा कश्मीर में है। कुछ साइट्स को तो आप लोग वैसे ही याद कर लो केवल मैप के आधार पर। तो ये मांडा है, मांडा कश्मीर में है और ये मांडा चिनाब नदी किनारे है। चिनाब नदी किनारे मांडा है और यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सिरा मांडा, दक्षिणी सिरा दायमाबाद, दक्षिणी सिरा दायमाबाद। और ये दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और यह दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे हैं। और कई बार प्रश्नों के विकल्प में प्रवरा नहीं आता है, गोदावरी आता है। तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। गोदावरी की सहायक नदी ये प्रवरा है, राइट? तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी है, इसलिए कई बार प्रवरा के स्थान पर विकल्पों में गोदावरी आ जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें, प्रवरा आए या गोदावरी, दोनों सही है। तो हमने उत्तरी सिरे की बात की, हमने दक्षिणी सिरे की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पूर्वी सिरे की। यह जो पूर्वी सिरा है यह है आलमगीरपुर। पूर्वी सिरा है ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और यह यूपी में है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसे स्वतंत्रता पूर्व संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी, ये हिंडन नदी के किनारे है। इसका जो पश्चिमी सिरा है ये तो उत्तरी और दक्षिणी हो गया। और फिर हम बात करें पूर्वी और पश्चिमी की, ये पूर्वी हो गया आलमगीरपुर और पश्चिमी हो गया सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान। और ये सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी? दाश्क नदी। तो ये चार स्थल हो गए। सबसे उत्तर में मांडा,
मांडा कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे, और दक्षिणी सिरा दायमाबाद, दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है उसके किनारे है। ठीक इसी तरीके से पूर्वी सिरा, पूर्वी छोर आलमगीरपुर यूपी में है जो हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिमी सिरा या छोर सुतकांगे डोर में है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत है और दाश्क नदी के किनारे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतना विस्तृत भूगोल किसी भी सभ्यता का नहीं है, किसी भी प्राचीनतम सभ्यता का नहीं है, चाहे वो मिस्री हो, मेसोपोटामिया की हो, या क्रीट की हो, या चीनी सभ्यता हो, किसी भी सभ्यता का इतना बड़ा विस्तृत भूगोल नहीं है। इसका क्षेत्रफल 12,99,000, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, और दूसरा 15,02,027 वर्ग किलोमीटर, यह भी आ सकता है। तो आप लोग इन दोनों का ध्यान रखें। तो हमने इन चार चीजों की, चार सिरों की बात कर ली, तो ये चार स्थल आप लोगों के क्लियर हो जाने चाहिए। इनको याद करने के तरीके कैसे हैं उनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो ये एक भौगोलिक विस्तार की बात हो गई। अब जरा हम मुख्य मुख्य स्थलों को, उनके उत्खननकर्ता सहित, उनकी नदी सहित एक सारणी के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। वहां से सवाल आते हैं सीधे सीधे, तो इसको एक सारणी के रूप में हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले स्थल, सबसे पहले हम लोग स्थल को लेते हैं। स्थल और स्थल के पश्चात नदी, और तीसरा हम लेते हैं उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। चूंकि आप लोगों से बार बार सारणी को सम्मिलित करवाएंगे या फिर इंडिविजुअली एक एक सवाल पूछ लेंगे, तो इनका जवाब आपको देना है, और साथ में हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं कि इनको कैसे रटें कि कोई गलतियां ना हो। सबसे पहले हम लेते हैं हड़प्पा। तो पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा रावी नदी किनारे, और इसका उत्खनन दयाराम सहानी ने इसका उत्खनन करवाया। पहली जानकारी तो ये हुई। फिर हम बात करते हैं दूसरी की। दूसरा हम सबसे महत्वपूर्ण मोहन जोदड़ो लेते हैं। मोहन जोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा का शब्द है मोहन जोदड़ो, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, और मोहन जोदड़ो का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, राइट। फिर हम बात करें ये किस नदी पर है, ये सिंधु नदी के किनारे है, और इसका उत्खनन करवाया राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं लोथल। लोथल और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे लोथल हो गया, और इसका उत्खनन करवाया रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करवाया। इसी तरीके से हम चौथी साइट लेते हैं चन्हुदड़ो सिंधु नदी किनारे है, और इसका उत्खनन करवाया मजूमदार ने।
पांचवी साइट हम लेते हैं कोट दिजी, ये कोट दिजी भी, ये कोट दिजी भी सिंधु नदी किनारे है, ये सिंधु नदी किनारे है और इसका उत्खनन करवाया फजल अहमद में, फजल अहमद ने इसका उत्खनन करवाया। अब आते हैं हम छठी साइट पर, छठी साइट है रोपड़, रोपड़, रोपड़ सतलज नदी किनारे है, सतलज नदी किनारे रोपड़ है और रोपड़ का उत्खनन करवाया यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का उत्खनन करवाया। ये हो गई छह साइट, छह साइट तो ये हुई और चार साइट, चार साइट हमने सिंधु घाटी सभ्यता के चार छोरों के रूप में की, तो ये छह और चार दस साइट तो ये हो गई। फिर हम और साइट्स को ढूंढते हैं, और कौन सी साइट्स हैं, कालीबंगा नंबर सात, कालीबंगा इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा सरस्वती नदी किनारे है, सरस्वती नदी भी कहा जाता है, इसे द्रस दति, इसे सोथर नदी भी कहा जाता है, इसे लेटी हुई नदी भी कहा जाता है, इसे हाकरा भी कहा जाता है, इसे घग्गर भी कहा जाता है। ये कई सारे नाम हैं सरस्वती नदी के, सरस्वती नदी को घग्गर नदी, हाकरा नदी, द्रस्वती नदी, सोथर नदी, ये सभी नाम है इसके। कालीबंगा की खोज की अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और इसका उत्खनन करवाने में दो व्यक्तियों का हाथ और है, और वो दो व्यक्ति हैं, एक तो है ब्रजवासी लाल जिसे बीवी लाल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है बालकृष्ण थापर जिसे बीके थापर के नाम से जाना जाता है। तो ये दो व्यक्ति और हैं, तो कुल मिलाकर के ये सात साइट हुई। इन सात साइट्स को हम, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रटें तो रटें कैसे, याद कैसे करें, तो उसकी एक मेट्रिक आप लोगों को बताना चाहूंगा ताकि आप लोग उस ट्रिक्स के माध्यम से कई सारे फैक्ट्स को रट सकते हैं और परीक्षा में, एग्जाम हॉल में आप लोग कंफ्यूज ना हो और 100% एक्यूरेसी के साथ में आप उनका जवाब दे सकें। नहीं तो होता क्या है, जब परीक्षा में आप बैठते हैं तो आपके दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर दबाव तो पहले से ही होता है और आप उस डर में जानते हुए भी उन्हें गलत करके आते हैं कि हड़प्पा किस नदी किनारे हैं, रावी के किनारे है कि सिंधु के किनारे हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है, इवन 8-8, 10-10 साल पढ़ने के बावजूद भी ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो और 100% एक्यूरेसी के साथ में, सटीकता के साथ में हम जवाब देवें, इस तरीके की हमारी स्थिति होनी चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या है, इनको रटने के तरीके थोड़े बदलने पड़ेंगे और रटने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों में से एक तरीका यह है। जैसे हड़प्पा रावी नदी किनारे है और दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया, तीनों को एक सूत्र में जोड़ दो, झंझट खत्म, और इस सूत्र को बनाने में आप महारत हासिल कर लो। जब आप महारत हासिल कर लेंगे तो किसी भी फैक्ट्स को, चाहे वो साइंस का हो या ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, करंट अफेयर्स का हो, किसी भी विषय के कोई भी टिपिकल फैक्ट्स हो, उन्हें आप इस ट्रिक से रट सकते हैं और बहुत कम समय में रट सकते हैं, बशर्ते आपको ये ट्रिक्स बनाने की महारत हासिल हो जाए। और ये महारत हासिल होगी लगातार प्रैक्टिस से, लगातार अभ्यास से। इस तरीके से आप करो, जैसे उदाहरण के लिए हड़प्पा रावी नदी किनारे है और दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया, ये बात, ये फैक्ट आप में से हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी सैकड़ों बार पढ़ चुके,
बट फिर भी उनको कन्फ्यूजन होता है कि सिंधु है कि रावी है। इसी को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आप इसका एक सूत्र बनाओ, हड़प्पा से जुड़ी हुई कोई बात ढूंढो, तो हम देखते हैं हड़प्पा से जुड़ी हुई और फिर रावी से जुड़ा हुआ कोई शब्द और दयाराम का कोई कीवर्ड ले लो। जैसे हाडी रानी को दया आ गई, हड़प्पा से हमने हाडी, रावी से रानी और दयाराम सानी से दया शब्द ले लिया, यानी कि हाडी रानी को दया आ गई। अब ये लाइन आप ऐसे रट लो, जब भी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आए तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाडी रानी को दया आ गई। हाडी का मतलब हड़प्पा, रानी का मतलब रावी और दया का मतलब दयाराम सानी। अब आपके सामने अगर 1,00,000 फैक्ट्स भी हो तो भी आप गलत नहीं करेंगे। अगर आपने 6 महीना नहीं 10 साल बाद में भी अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। और इस सूत्र को बनाने के लिए आपको कितने से सेकंड लगे? मुश्किल से 3-4-5 सेकंड लगे। अब आप ये सोचो कि ये इस तरीके से कुल मिलाकर के ये 7 साइट्स हैं और 4 साइट वो 11 साइट है, 3-4-5 साइट्स और हो सकती है, टोटल 15-16 साइट्स हैं। इन 15-16 साइट्स के 3 यानी कि 45 ये शब्द हैं टोटल। इन 45 शब्दों को आप इस ट्रिक के साथ में याद करते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट में आप क्या कि रट डालोगे और जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे अगर इस ट्रिक के हिसाब से याद करते हैं तो। और इस ट्रिक के हिसाब से याद नहीं करते हैं तो इन 15 फैक्ट्स को याद करने में आपको महीनों लग सकते हैं और फिर भी कोई एक्यूरेसी नहीं आए, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए आप क्या है कि बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी करो, बुद्धिमत्तापूर्ण जो नए तरीके हैं उनको अपनाओ, तो पढ़ने की आपकी जो तकनीक है वो तकनीक साइंटिफिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। तो एक सूत्र तो मैंने आपको ये बताया, अब यहीं पर मैं दूसरे सूत्र की चर्चा करता हूँ। मोहन जोदड़ो सिंधु नदी किनारे राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया। मोहन जोदड़ो का मोहन आप ले लीजिए, सिंधु का सिंधु है ही, सिंधु को आप कह के थोड़ा ट्विस्ट कर दो, सिंदूर बना दो। राखलदास बनर्जी का राख शब्द ले लो, यानी कि इसका सूत्र ये बना लो, मोहन ने राख का सिंदूर लगाया। इसको लिख लो, ऐसी चीजों को सूत्र बना करके आप लिख सकते हैं। मोहन ने राख का सिंदूर लगाया, अब इसको आपने जब रट लिया तो आप जीवन में कभी गलती नहीं करोगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है और किसने इसका उत्खनन करवाया। कितने ही लाखों फैक्ट्स आ जाएं लेकिन आप एक्यूरेसी के साथ में जवाब देंगे। तो एक सूत्र आप ये बना लीजिए, कुल मिलाकर के आपको 15 साइट्स के 15 सूत्र बनाने होंगे और जीवन में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। और ये 15 सूत्र बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट चाहिए। तो ये तरीका ऐसा है कि एक बार वाइजली आपने 15-20 मिनट सही से इन्वेस्ट किए तो आपको जीवन भर के लिए तैयार हो गया। अब ये हर एग्जाम में आपके लिए इसी प्रकार से काम आएगा, लेकिन आप लोगों के तरीके ऐसे नहीं होते, इसलिए आप लोग क्या करते हो, इनको बार बार याद करते हो, रटते हो और फिर गलती करते हो। तो इसलिए क्या कि आप ऐसा तरीका अपनाओ। अब जरा हम देखें, लोथल की भी ऐसी ही ट्रिक या सूत्र बना सकते हैं। लोथल है रंगनाथ राव, तो रंग शब्द ले लो या रंगनाथ शब्द ले लो, भोगवा और लोथल, तो यहां आप इसको ट्विस्ट करके इनमें से कीवर्ड्स पकड़ो। जैसे रंगनाथ, भगवान का नाम भी है रंगनाथ, रंगनाथ को भोग लगाओ, इस तरीके का सूत्र बना सकते हो कि रंगनाथ को भोग लगाओ। या फिर लोथल में से आपने क्या किया, थल को थाली बना दिया, थाली में भोग रंगनाथ को लगाओ, यानी कि इस तरीके से ट्विस्ट करके इसका भी आप सूत्र बना सकते हो, तो जीवन में गलती नहीं करोगे। आपको स्पष्ट पता चलेगा कि लोथल भोगवा नदी किनारे है और रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करवाया। ठीक, तो रंगनाथ को भोग लगाओ, ऐसा सूत्र आप इसमें बना सकते हो। ठीक इसी तरीके से चनूदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं, मजूमदार ने इसका उत्खनन करवाया, तो सीधी सी बात इसका ट्विस्ट करके कह सकते हो, चनूदड़ो से चंदा शब्द बना लो, सिंदूर सिंधु को सिंदूर बना लो और मजूमदार को
मजदूर के रूप में कर दो कि एक मजदूर ने चंदा को सिंदूर लगाया, इस तरीके का सूत्र बनाओ, जीवन भर नहीं भूलोगे। इसी तरीके से कोट दीजिए, सिंधु, सिंदूर को आपने सिंधु नदी को सिंदूर शब्द से इंगित किया। फजल अहमद, तो कह दो कि फजलू के कोट में सिंदूर निकला, तो फजल अहमद भी आ गया, सिंधु नदी भी आ गई, कोट दीजी भी आ गई। तो कोट दीजी का कोट शब्द लिया हमने, सिंधु नदी को सिंदूर बना दिया और फजलू को, फजल अहमद को फजलू बना दिया, यानी कि फजलू के कोट में, कोट की जेब में सिंदूर निकला। तो आप इस सूत्र के माध्यम से इसको कभी नहीं भूलोगे। रोपड़, रोपड़ सतलज और यज्ञदत्त शर्मा, इन तीनों को जोड़ोगे। अब इसको ऐसे जोड़ दो, सतलज से ट्विस्ट करके कर दो सत्तू, सत्तू यज्ञ के धुएं से रोपड़ा, तो सत्तू यज्ञ के धुएं से रोपड़ा, सत्तू यानी सतलज, रोपड़, रोपड़ा यानी रोपड़, और यज्ञ के धुएं से यानी कि यज्ञदत्त शर्मा। अब इस फैक्ट को आप जीवन भर नहीं भूलोगे, एक बार तैयार करना है और पूरे जीवन भर ये काम आएंगे। तो सत्तू यज्ञ के धुएं से रोपड़ा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। छह सूत्र हो गए। इसी प्रकार आप कालीबंगा, सरस्वती नदी, अमलानंद घोष से जोड़ सकते हो। तो हाकरा गग्गर आकरा, यानी कि आप कर सकते हो कि सरस्वती को अमला ने काले रंग की चूड़ियां पहनाई, तो सरस्वती, अमला और कालीबंगा, ये तीनों शब्द जुड़ गए। तो इस तरीके से आप क्या है कि सूत्र बनाओ, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के आधार पर कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मात्र तीन तीन चार चार महीने की तैयारी के आधार पर इन सूत्रों का, इन तकनीकों का प्रयोग करते हुए फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर जैसी एग्जाम्स को निकाला है। पानी है क्या? गर्म देना। तो इन सूत्रों के आधार पर आप ग्रंथों के ग्रंथ फैक्ट्स को रट सकते हो 101% एक्यूरेसी के साथ में। और ये एक्यूरेसी ऐसी होगी कि अधिकांश विद्यार्थी हर एग्जाम में जो फेल होते हैं उसका कारण क्या होता है, 8-10 सवाल जिनमें वो क्या है कि एक ह्यूमन एरर करते हैं, या यूं कहो सिली मिस्टेक करते हैं, या यूं कहो कि घर आकर के या एग्जाम हॉल से बाहर निकल करके माथा पकड़ते हैं कि ये तो मुझे आता था लेकिन उस समय मेरे को ये याद नहीं आया कि इसका ये ऑप्शन सही है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होगी अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में चीजें याद है तो। और 100% एक्यूरेसी के साथ में याद करने का जो तरीका है वो तरीका ये है। तो आप इन तरीकों को अपना सकते हो। बात समझ में आई? अब जरा हम क्या है कि इन सातों के अलावा कुछ 2-3-4 साइट्स और बचती हैं, उनकी भी चर्चा कर लें तो वो भी आ जाएंगे। यहां हम वापस करते हैं, ये स्थल हो गया, यहां पर ये नदी हो जाएगी, यहां ये उत्खननकर्ता हो जाएंगे या खोजकर्ता हो जाएंगे। ये तीन स्थल वापस हो जाएंगे। अब जरा हम क्या है कि जो बची हुई साइट से उनको भी लिख दे। में एक तो क्या है कि जो हमने पिछले 7वें नंबर की थी उसी को एक बार वापस इसलिए कर रहे हैं, उसके 2 पॉइंट्स बाकी हैं। कालीबंगा, चूंकि कालीबंगा में ये तो सरस्वती घग्गर हाकरा सोथर दृश दत्ती, ये
सरस्वती नदी के ही नाम है। इसकी जो खोजकर्ता है वो खोजकर्ता है अम्बलानंद घोष। अम्बलानंद घोष। और इसके जो उत्खनन करता है उत्खननकर्ता के अंतर्गत दो नाम आते हैं। एक तो आता है बीबी लाल। इसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। और दूसरा व्यक्ति है बीके थापर, यानी कि बाल कृष्ण थापर। तो ये दो व्यक्ति हैं। अब जरा हम कुछ साइट्स के लिए अगला पेज ले लेते हैं। यहां पर वही स्थल, नदी, नदी या स्थान कर दीजिए, क्योंकि हर स्थल के किनारे नदी नहीं है। और यहां उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, उन्हें हम ले लेते हैं। और जैसे कि आठवें नंबर का स्थल है, सात स्थलों की चर्चा कर चुके हैं, आठवें नंबर का स्थल है रंगपुर 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 की हमने चर्चा नहीं की है, ठीक है, रंगपुर। और रंगपुर जिस नदी के किनारे है वो उस नदी का नाम है भादर नदी। और इसका जो उत्खनन करता है वो उत्खनन करता है माधो स्वरूप वत्स। एक हो गया रंगपुर। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 9, धोलावीरा कच्छ गुजरात में है और यहां पर कोई नदी नहीं है, यानी कि ये किसी नदी के किनारे नहीं है। ये कच्छ गुजरात में है और धोलावीरा का उत्खनन किया आर एस विस्ट का पूरा नाम है रविंद्र सिंह विस्ट। इसका पूरा नाम है आर एस विस्ट का। तो धोलावीरा का उत्खनन इसी ने किया। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 10 पर बनवाली। ये बनवाली किसी नदी किनारे नहीं है और इसका उत्खनन करवाया आर एस बिस्ट ने। तो आर एस बिस्ट ने बनवाली का भी उत्खनन करवाया है। अब हम बात करें राखीगढ़ी की, नंबर 11 राखीगढ़ी। और ये जो राखीगढ़ी है, ये राखीगढ़ी भी किसी नदी के किनारे नहीं है। राखीगढ़ी किसी नदी के किनारे नहीं है और इसका उत्खनन जिसने करवाया उसका नाम है रफीक मुगल। तो 11 साइट से हो चुकी है। रफीक मुगल ने इसका राखीगढ़ी का उत्खनन करवाया। इसी तरीके से हम देखते हैं सुरकोतड़ा
नंबर 12, सुर कोतड़ा। सुर कोतड़ा कच्छ गुजरात में है और यहां पर भी कोई नदी नहीं है और इसका जगपति जोशी ने इसका उत्खनन करवाया। तो इस तरीके से लगभग ये सभी साइट्स आ चुकी हैं, कोई भी साइट्स छूटी नहीं है, हमने सभी साइट्स की चर्चा कर ली है। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य मुख्य बातें। अब जैसे क्या कि इनको भी याद कर सकते हो, ये जैसे रंगपुर है, रंगपुर माधो रंग करके भाग गया, जोड़ सकते हो माधो, आपने क्या किया इधर माधो स्वरूप का माधो लिया, माधो रंग कर भादर यानी कि भाग गया, आप ऐसे जोड़ सकते हो। धोला वीरा, वीरा की विष्ट कर दी, तो धोला वीरा आरएस विष्ट के द्वारा उत्खनन किया करवाया गया। इसी तरीके से बनवाली की विष्ट कर दी गई। और ये जो राखी है, ये राखी बांधी गई किसको, रफीक मुगल को, आप रफीक मुगल से राखी को जोड़ सकते हो। सुर कोतड़ा जगपति जोशी, तो सुर कोतड़ा सुरों के कोटड़े में जगपति जोशी, ऐसे कुछ भी जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कि जोड़ने वाली ट्रिक से इन तमाम साइट्स को, हमने कुल साइट्स की बात की 12 साइट्स, तो 12 साइट्स तो ये हो गई ठीक 12, और चार साइट कौन सी जो सिंधु घाटी सभ्यता के चार सिरे हैं, चार छोर हैं, जैसे कि मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम सिरा है, छोर है, और ये मांडा चिनाब नदी किनारे है, यानी कि माइंड वाले लोग नाव पर बैठते हैं, जोड़ सकते हो। तो चिनाब नदी के किनारे मांडा है और ये कश्मीर में है। ठीक इसी तरीके से इसका दक्षिणतम जो सिरा है वो दायमाबाद है, दैसे दक्षिण दैसे दायमाबाद, और ये दायमाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे, तो आप दायमा को प्रवरा से जोड़ दीजिए। इसी तरीके से आलमगीर को हड्डियां पसंद है खाने में, तो यानी कि हिंडन नदी के किनारे है, और ये आलमगीर यूपी का रहने वाला है, तो आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे हैं, आप ऐसे जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से सुतकांगे डोर यानी कि सुतकांगे डोर से लिया डोर, दास्क नदी से बना दिया दास, और उसका उत्खनन करता यानी कि उनको भी एक बार हम देख लें, उनके उत्खनन कर्ताओं को, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहां हम देखते हैं सुतकांगे डोर का जो उत्खनन करता है वो ओरेल स्टाइन है, उसको भी लिख दीजिए 13। सुतकांगे डोर दाश्क नदी किनारे है और इसका ओरेल स्टाइन ने इसका उत्खनन करवाया। तो यहां हमने क्या किया, ओरेल का तो रेल ले लिया शब्द, ओरेल का रेल शब्द लिया, दास्क को ट्विस्ट करके दास बना दिया, और यहां इसका डोर शब्द ले लिया, यानी कि दासों को डोर से बांधकर रेल की पटरियों पर ले जाया गया, जोड़ सकते हो। मैंने तो एक सूत्र बनाया कि आप इस तरीके से जोड़ सकते हो, तो जोड़ने का तरीका मैंने बताया, हर जगह मैं नहीं जोड़ सकता, ना समय है और ना इतना क्या कि मंथन करने का वक्त, वो आप लोगों को करना होगा। अगर मंथन करने की प्रक्रिया में आपसे ये सूत्र नहीं भी बने तो भी वो याद हो जाएंगे आपके, आप किसी भी प्रकार से घाटे में नहीं रहेंगे। तो ये सूत्रों के आधार पर आप इन तमाम साइट्स को रट डालिए। अब जरा हम कह के इन साइट्स के पश्चात
वन बाई वन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर आते हैं। जैसे इसके पश्चात हम सबसे पहले हड़प्पा की बात करेंगे। पहली साइट हो जाएगी हमारी हड़प्पा। हड़प्पा इन मुख्य साइट्स की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हड़प्पा स्थल के बारे में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में हम लोग इसको कर देते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले, और मॉन्टगोमरी में भी वर्तमान में साहिवाल जिले में, अगर मॉन्टगोमरी भी आ जाए या साहिवाल भी आ जाए, दोनों में से एक आएगा, तो साहिवाल आ जाए तो साहिवाल सही है, और साहिवाल नहीं आए तो फिर वहां मॉन्टगोमरी आएगा। जिले में स्थित है। जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा पॉइंट ये कर दीजिए, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन किया। जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक थे। क्या थे? महानिदेशक थे। राइट, तो हड़प्पा के बारे में हमने एक पॉइंट लिया कि हड़प्पा पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले, वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया या किया। जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हड़प्पा के बारे में हो गई, और हड़प्पा के बारे में ये तो हमने एक उसका एक जनरल परिचय दिया। अब जरा यहां क्या क्या चीजें मिली है उनकी हम बातचीत करते हैं, जहां से सवाल आते हैं। अब अगले पॉइंट पर आओ, हड़प्पा से छह की पंक्ति में 12 श्रमिक आवास मिले हैं। तो एक बात तो यहां ये हो गई कि यहां से छह की पंक्ति में 12 श्रमिक आवास मिले हैं, एक बात। फिर हम अगली बात करें कि यहां से क्या मिला है। हड़प्पा से 12 श्रमिक आवास के अलावा यहां से
एच कब्रिस्तान, एच कब्रिस्तान जिसे एच कब्रिस्तान जिसे R37 भी कहा जाता है, कहा जाता है, मिला है। तो यहां से एक एच कब्रिस्तान या R37 कब्रिस्तान भी मिला है। इसी के साथ में यहां से एक विदेशी की कब्र भी मिली है। विदेशी की कब्र के अलावा यहां से नटराज की पत्थर की मूर्ति भी मिली है, नटराज की पत्थर की मूर्ति भी मिली है। और नटराज की पत्थर की मूर्ति के अलावा यहां से उर्वरता की देवी की मृण मूर्ति भी यहां से मिली है, जिसमें जिसे पृथ्वी देवी भी कहा गया है, यानी कि धरती माता भी इसे कहा गया है, जिसके अंतर्गत एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसमें उर्वरता की देवी में एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा का चित्रांकन है। राइट? तो यहां इसका भी चित्रांकन है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि यहां से और क्या मिला है। यहां से सात पासे तांबे का पैमाना, सात पासे और तांबे का पैमाना भी मिला है। और यहीं पर एक जो सबसे बड़ी बात है, माउंट एबी हड़प्पा के दुर्ग को माउंट एबी माउंट एबी माउंट एबी मार्टिमर व्हीलर ने कहा। एक बात यहां की ये रही। और फिर हम देखते हैं सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे भी हड़प्पा से मिली है। और यहां से 20 कपाल खंड भी मिले हैं, 20 कपाल 20 कपाल भी मिले हैं। तो ये चीजें हड़प्पा से मिली है। तो हड़प्पा से लगभग हम लोगों ने मेन चीजें कर ली हैं जो यहां से मिली हैं। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है पैमाना
पैरों में सांप को दबाए, पैरों में सांप को दबाए, गरुड़ का चित्रांकन, पैरों में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रांकन भी यहां से मिला है। तो ये हड़प्पा से मिली हुई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी चर्चा हमने की। अब जरा हम आगे बढ़ते हुए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है उसको देख लेते हैं। तो अगला इसमें पॉइंट डाल देते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से भी कई सारे सवाल आते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से कई सारी चीज़ें मिली और उन्हीं से सवाल बना करके पूछ लिए जाते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के, यह पाकिस्तान के लरकाना, लरकाना जिले में, लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया, राखलदास 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 बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया, राइट। तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, सिंधु नदी के किनारे है और राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया। एक बात तो ये हुई। अब जरा हम देखते हैं कि यहां से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रूप से मिली है। अब अगले पॉइंट पे देखें, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, राइट। फिर हम आगे बढ़ें, यहां से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिली है वो है वृहत स्नानागार, वृहत स्नानागार यहां से मिला है। और वो स्नानागार इस तरीके से था, यानी कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार में उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों के साथ में यहीं पर एक कुआं है, यहीं पर एक कुआं है, ये जल का निकास है और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं जो संभवतः कपड़े चेंज करने के लिए काम आते होंगे। और यह स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान के लिए संभवतः बनाया गया होगा। तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो निर्माण है वो है वृहत स्नानागार, यानी कि विशाल स्नानागार। और यह स्नानागार संभवतः धार्मिक अनुष्ठान की क्रियाओं के लिए काम में आता होगा। इसके फर्श में बनाने में बिटुमिनस,
बिटुमिनस प्लस जिप्सम जिप्सम बिटुमिनस और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था जिसकी वजह से पानी रिसता नहीं था। तो यह तत्कालीन समय की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना था कि उन लोगों की इंजीनियरिंग इतनी विकसित थी कि उन्होंने इन चीजों का प्रयोग किया ताकि पानी रिसे नहीं। तो यह इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी। इसी तरीके से हम देखते हैं यहां से दूसरी महत्वपूर्ण चीज मिली है पुजारी की मूर्ति मिली है। इसे योगी की मूर्ति भी कहा जाता है, इसे योगी की मूर्ति भी कहा जाता है, इसे पुरोहित राजा की मूर्ति भी कहा जाता है, पुरोहित राजा भी कहा जाता है। और इसने तिपतिया साल ओढ़े है, ये तिपतिया साल, तिपतिया शाल ओढ़े है और उसे अपनी दाईं भुजा उठा रखी है और बाईं भुजा के ऊपर होकर के उसने ओढ़ रखा है। तो पुजारी की मूर्ति मिली है जिसे योगी की मूर्ति भी कहा जाता है या पुरोहित राजा की मूर्ति भी कहा जाता है और वह तिपतिया शाल ओढ़े है। तो इस तरीके से यह भी एक बेहतरीन उदाहरण वहां से मिलता है। फिर हम देखते हैं आगे, मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र का उदाहरण भी मिलता है, अर्थात वहां सूती वस्त्र बनाए जाते थे। तो तत्कालीन समय में सूती वस्त्र का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है। और यहां पर मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें भी हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण एक कांसे की नर्तकी ये भी यहां से मिली है और कालांतर में ये एक फैशन सिंबल बन गया। अगर हम आज के फैशन से इसकी तुलना करें तो बहुत कुछ सिमिलरिटी दिखाई देगी, क्योंकि इस कांसे की नृत्यरत जो मुद्रा है वो नृत्य मुद्रा हमें आधुनिक फैशन शो को दिखाती है। तो कांसे की नर्तकी यहां से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है। फिर हम यहां देखते हैं बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरें हैं। और मेसोपोटामिया की मोहरें हैं तो ये मोहरें मेसोपोटामिया के साथ संपर्क को दिखाती है कि निश्चित रूप से मेसोपोटामिया के साथ में संपर्क रहा होगा। ये सिलेंड्रीकृत मोहरें या बेलनाकार मोहरें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से एक और महत्वपूर्ण चीज निकली जिसका नाम है पशुपति शिव। और ये जो पशुपति शिव नामकरण है, ये नामकरण जॉन मार्शल ने किया। किसने किया? जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया, क्योंकि एक योगी जिसके तीन सींग हैं और यह योग मुद्रा में है और योग मुद्रा के में होने के साथ में इस पशुपति शिव रूपी मुद्रा में हम देखते हैं
दाएं तरफ इसके, कई बार सवाल यहां से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए दाएं बाएं का ध्यान रखें। दाएं तरफ हम देखते हैं भैंसा और गेंडा है, भैंसा और गेंडा है। इसी तरीके से बाईं तरफ, इस मुद्रा के बाएं तरफ हम देखते हैं हाथी और बाघ, टाइगर। तो पशुपति शिव की मुद्रा के नीचे की तरफ दाएं तरफ भैंसा और गेंडा और बाएं तरफ हाथी और बाघ का चित्रांकन है। और इस पशुपति शिव के तीन सींग मुकुट के रूप में है, तो यह यहां की एक महत्वपूर्ण मूर्ति है। अब हम इसमें आगे देखें, यहां से घोड़े की, यहां से घोड़े की मरण मूर्ति, मरण मूर्ति कहते हैं मिट्टी की मूर्ति, तो घोड़े की मरण मूर्ति मिली है। घोड़े के साक्ष्य हमें बहुत कम जगह से मिले हैं, एक तो सुरकोतड़ा से घोड़े का कंकाल मिला है और घोड़े की मरण मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है। फिर हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से हमें तार पर सरकता हुआ बंदर, तार पर सरकता बंदर का चित्रांकन मिला है। और हमें इस जगह से मोहनजोदड़ो से मानव एवं अर्धबाघ की मुद्रा मिली है। यहीं पे करते हैं, मानव एवं अर्धबाघ, मानव एवं अर्धबाघ जैसे कि नरसिंह अवतार हो, तो नरसिंह जैसी मुद्रा यहां पे मिली है। यहीं पर हम यह बात भी कहें, मिस्र में स्फिंक्स मिले हैं, स्फिंक्स मिस्र में स्फिंक्स। स्फिंक्स में क्या होता है, मानव सिर, अर्थात सिर तो मानव का और जानवरों का धड़ जानवरों का, मानव का सिर जानवरों का धड़ जिन्हें स्फिंक्स कहते हैं, ये मिले हैं हमें मिस्र में। और भारत में जानवर का तो सिर यानी अर्धबाघ और मानव का शरीर जैसे कि नरसिंह अवतार, तो नरसिंह अवतार की हमें एक झलक दिखाई देती है मोहनजोदड़ो में। ठीक इसी तरीके से यहां से हमें और भी कुछ चीजें मिली हैं, जैसे चांदी के बर्तन मिले हैं हमें यहां से, सात औरतें। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और यहां पर देखें, ये जो मोहनजोदड़ो है इसका 7 बार उत्थान और 7 बार पतन भी हुआ है, मोहनजोदड़ो का 7 बार उत्थान एवं 7 बार पतन भी हुआ है। और यहां पर बौद्ध स्तूप भी मिला है, एक बौद्ध स्तूप भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। अब जरा हम इन तमाम चीजों को जो हमने आज की इस विशेष कक्षा में पढ़ा है उसको एक बार पूरे को हम रिवाइज करते हैं, ताकि पूरी की पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जावे। आज हमने शुरुआत की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और सिंधु घाटी सभ्यता की इस शुरुआत के क्रम में हमने सबसे पहले नामों के बारे में जानने का प्रयास किया, सभ्यता किसे कहते हैं, और सभ्यता से ही जुड़ा हुआ शब्द है संस्कृति, संस्कृति किसे कहते हैं, और सिंधु घाटी का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा।
तो सबसे पहले हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता को 5W1H की रणनीति से घेर दिया जाए तो हमारा कोई भी प्रश्न किसी भी स्तर पर नहीं छूटेगा। और 5W1H क्या है, क्या क्या है, क्यों है, कब है, किसने, कहां और कैसे, ये डायमेंशन है। इन डायमेंशन में किसी भी विषय को या किसी भी टॉपिक को हम अगर तैयार करते हैं तो हमारा कोई भी प्रश्न लगभग 99% नहीं छूटेगा। जो भी प्रश्न होते हैं इन्हीं डायमेंशन से जुड़े हुए होते हैं। तो इन डायमेंशन में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखने का प्रयास किया। अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन इसके कुछ पार्ट्स हमने देखे। सभ्यता मानव का भौतिक पक्ष है, भौतिक का मतलब बाहरी पक्ष है, और इस भौतिक पक्ष के अंतर्गत रहन सहन, खान पान, उसके निर्माण, मकान, मंदिर, मस्जिद यानी पूजा स्थल, उसके निवास स्थल यानी कि तमाम जो चीज़ें हमें दिखती है, अर्थात जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सभ्यता या भौतिक पक्ष के अंतर्गत आती है, और यह भौतिक पक्ष सभ्यता के अंतर्गत आता है। भौतिक पक्ष या सभ्यता के साथ में ही एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति शब्द क्रय धातु से बना है। किससे? क्रय धातु से। और क्रय का अर्थ होता है करना, क्रय का अर्थ होता है करना। और करने के अंतर्गत विशेष तरीके से, जैसे कि इस सभ्यता को अंग्रेजी में कहते हैं सिविलाइजेशन और संस्कृति को कहते हैं कल्चर। तो कल्चर शब्द बना है कल्ट से। कल्ट का अर्थ होता है परिष्कृत, विकसित रूप, उन्नत रूप, ठीक। और वो उन्नत रूप होता है मनुष्य की आंतरिक भावनाओं के स्तर पर, विचारों के स्तर पर। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब वो भौतिक रूप में किया गया तो वो सभ्यता बन जाता है, जिसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो यहां हमने बताया कि क्रय से, जब विशेष रूप से करते हैं तो ये क्या कि संस्कृति बन जाता है, और अगर इसे गलत तरीके से करते हैं तो ये विकृति बन जाता है। तो विकृति और संस्कृति दो एक दूसरे के ऑपोजिट शब्द है, और दोनों का निकास होता है क्रय धातु से। तो यहां हमने इन बातों की चर्चा की। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। किसने दी? चार्ल्स मेसन ने। तो सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दे दी। तो एक बात तो यह हुई कि चार्ल्स मेसन के द्वारा सर्वप्रथम 1826 में जानकारी दी गई। फिर उनके पश्चात 1856 ईस्वी में ब्रिटन बंधुओं में दो भाई हैं, एक है जॉन और दूसरा विलियम। तो जॉन और विलियम ने 1856 में इसके महत्व को बताया। फिर हमने देखा कि अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ये सवाल कई बार आया है इसलिए आप लोग ध्यान रखें, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, एक बात। और विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता को माना जाता है, और मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान इराक में स्थित है, इराक की राजधानी बगदाद, और यह इराक में दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आईवीसी विश्व की विशालतम, सबसे बड़ी भौगोलिक स्तर पर सभ्यता है, और अनुसंधानों से पाया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है, और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह 15,02,027 वर्ग किलोमीटर है।
इसी तरीके से हम देखते हैं इसके लगभग 400 स्थलों की खुदाई हो चुकी है, 400 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है, जिनमें से 200 से अधिक तो अकेले गुजरात में स्थित है, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम इसके भारत के नक्शे पर भौगोलिक विस्तार को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे उत्तरी छोर जो इसका है वो है मांडा में, और मांडा कश्मीर में है, कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर हुआ। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम छोर की। दक्षिणतम छोर है दायमाबाद, और दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और यह प्रवरा नदी के किनारे है, और प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, राइट। इसी प्रकार से हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सिरा, यह पूर्वी सिरा आलमगीरपुर है, और यह आलमगीरपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और यह उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। और इसका जो पश्चिमी सिरा है, यह पश्चिमी सिरा सुतकांगेडोर में है, और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। वर्तमान में पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत विद्रोह की आग में धधक रहा है, और वहां की जो बलूच जाति है वो बलूच जाति पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध लगातार सिरदर्दी का काम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार वहां दोगला व्यवहार करती है। तो बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की सिंधु घाटी सभ्यता के चार छोरों की, चार सिरों की, चार कोणों की। तो इतनी बड़ी विशाल सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आगे बढ़िए, फिर हम देखते हैं इसको, हमने स्थल, नदी और उत्खननकर्ता इन तीन भागों में विभाजित किया। यहां से सीधा सीधा निम्न को सम्मिलित कीजिए, यह इंडिविजुअली एक एक सवाल पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हमने हड़प्पा को लिया, हड़प्पा रावी नदी किनारे है, दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया। इसका सूत्र हमने याद करने के लिए बनाया, हाडी रानी को दया आ गई। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, और राखलदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया। इसका सूत्र हमने याद करने के लिए बनाया था, मोहन ने राख का सिंदूर लगाया। इसी प्रकार लोथल भोगवा नदी किनारे है, और रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करवाया। तो रंगनाथ को भोग लगाओ, इस तरीके से सूत्र का निर्माण किया। इसी तरीके से चहुदड़ो सिंधु नदी किनारे है, मजूमदार ने इसका उत्खनन करवाया, अर्थात मजूर, एक मजदूर ने चंदा को सिंदूर लगाया, इस तरीके का सूत्र हमने इसमें बनाया। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, फजल अहमद ने इसका उत्खनन करवाया, तो इसका सूत्र बनाया गया, फजलू के कोट की जेब में सिंदूर निकला। ठीक इसी तरीके से रोपड़ सतलज नदी किनारे, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया, यानी कि सत्तू यज्ञ के धुएं से रोपड़ा, ये इसका सूत्र था। कालीबंगा सरस्वती जिसे दृष्टवती या सोथर या हाकरा या गग्गर नदी भी कहा जाता है, और इसकी खोज की अमलानंद घोष ने। तो हमने इसको बनाया कि सरस्वती को काले रंग की चूड़ियां अमला ने दी, इस तरीके का सूत्र बनाया। फिर यहीं पर हमने किया कि कालीबंगा का कि जो खोज है, खोज तो अमलानंद घोष ने कर दी, परंतु इसके उत्खनन करने का कार्य एक तो बीबी लाल जिसे ब्रजवासी लाल कहते हैं, और दूसरा बीके थापर जिसे बाल कृष्ण थापर के नाम से जाना जाता है, इन दोनों ने इसका उत्खनन किया। ठीक आगे बढ़ते हैं, रंगपुर भादर नदी किनारे है, माधो स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन करवाया, यानी कि माधो रंग कर भाग गया, ये इसका सूत्र बनाया था। धोलावीरा गुजरात कच्छ में है, किसी नदी किनारे नहीं है, और आरएस बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया। तो हमने इसे वैसे बीरा वैसे बिष्ट, बीरा की बिष्ट कर दी। इसी तरीके से बनवाली, ये भी किसी नदी किनारे नहीं, वैसे बनवाली वैसे बिष्ट, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका भी उत्खनन किया। राखी गढ़ी, तो राखी को हमने रफीक मुगल से जोड़ा, यह भी किसी नदी के किनारे नहीं है, तो रफीक मुगल को राखी बांध दी गई। सुरकोटला भी किसी नदी के किनारे नहीं है,
ये कच्छ में गुजरात में है। तो सुरकोतला का उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। इसी तरीके से सुतकांगे डोर दास्क नदी किनारे है, ओरेलस्टाइन ने इसका उत्खनन करवाया, यानी कि दासों को डोर से बांधकर रेल के आगे लेके गए, याद करने के लिए इसका यह सूत्र बनाया गया। अब हम उसके पश्चात एक जनरल आइडिया हमने सिंधु घाटी सभ्यता का किया, फिर उसके स्थलों को हमने देखने का प्रयास किया, और इन स्थलों के अंतर्गत हमने सबसे पहले हड़प्पा को लिया। हड़प्पा, तो हड़प्पा के बारे में मेन मेन चीजें देखी। हड़प्पा पाकिस्तान में, हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत की मोंटगोमरी जिले, और मोंटगोमरी जिले में भी अब साहिवाल जिला बन चुका है, तो साहिवाल जिले में स्थित है रावी नदी के किनारे, और दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया। कब? 1921 ईस्वी में, और उस समय जोन मार्शल महानिदेशक के पद पर थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आई। फिर हम आगे बढ़े, हड़प्पा से छे-छे की पंक्ति में 12 श्रमिक आवास मिले हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण बात हुई, हड़प्पा से 12 श्रमिक आवास मिले हैं, पहली बात तो ये हुई, आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा एच कब्रिस्तान, एच कब्रिस्तान को R-37 भी कहा जाता है, दूसरा हमें हड़प्पा से ये मिला। तीसरा हम देखते हैं हड़प्पा से एक विदेशी की कब्र मिली, तो तीसरा पॉइंट विदेशी की कब्र हो गई। इसी तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नटराज की पत्थर की मूर्ति मिली है, तो ये नटराज की पत्थर की मूर्ति हमें नटराज शिव के दर्शन कराती है, और नटराज शिव तांडव मुद्रा में दिखाई देते हैं, तो यह मूर्ति शिव से इसको जोड़ती है। तो नटराज शिव की पत्थर की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है। इसी तरीके से एक उर्वरता की देवी की मृण मूर्ति भी हमें हड़प्पा से मिली है, जिसे पृथ्वी माता या धरती माता भी कहा जाता है, और उस उर्वरता की देवी की मूर्ति के अंतर्गत या मृण मूर्ति के अंतर्गत एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, तो वहां उसे उर्वरता की देवी कहा गया है। फिर यही हम देखते हैं, ये कितनी बातें हो गई, 3, चौथी नटराज शिव की बात, 5वीं उर्वरता की देवी की मृणमूर्ति, और फिर छठे नंबर पर हमने 7 पासे ले लिए, तांबे का पैमाना यहां से मिला है, 8वीं चीज ये हो गई, और हड़प्पा से माउंट एबी, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं ये नगर दो भागों में विभाजित है, एक जिसे दुर्ग कहते हैं या टीला कहते हैं, और दूसरा निचला नगर। ये जो निचला नगर है यहां पे जनसामान्य रहता है, और दुर्ग या टीले में सरकार या शासक वर्ग रहता है। ठीक, तो इस हड़प्पा के दुर्ग का नाम मार्टिमर व्हीलर ने इसे नाम दिया माउंट एवी। तो इसे हमने पॉइंट दे दिया, नवा पॉइंट। इसी तरीके से 10वीं महत्वपूर्ण बात देखते हैं, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां से मिली है? यह सवाल कई बार आया हुआ है कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां से मिली, हड़प्पा से। तो 10वीं बात ये हो गई, और 11वीं बात है हड़प्पा से 20 कपाल भी मिले हैं। तो ये हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा, और 12वीं बात है पैरों में दवाएं, सांप को एक गरुड़ का चित्रांकन है। तो ये 10-12 बातें हड़प्पा से मिली हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। अब हम चर्चा करें मोहन जोदड़ो की। मोहन जोदड़ो में हम देखते हैं यह वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसका उत्खनन करवाया राखल दास बनर्जी ने, और यह बात है 1922 की। 1921 में हड़प्पा, 1922 में
मोहन जोदड़ो, और मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, अर्थात मरे हुए लोगों का टीला। फिर हम आगे बढ़े, यहां से जो महत्वपूर्ण चीज मिली है वो मिली है वृहत स्नानागार। तो पहली महत्वपूर्ण चीज हो गई वृहत स्नानागार। यह स्नानागार के एक कोने पर कुआं है जहां से पानी भरा जाता है। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां हैं और चारों तरफ कई सारे कमरे बने हुए हैं जो वस्त्र बदलने के काम आते होंगे। और यह वृहत स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान के लिए काम में आता होगा। इसी तरीके से दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से एक पुजारी की मूर्ति मिली है और वह पुजारी एक तिपतिया यानी तीन पत्तियों वाली साल ओढ़े हुए है। तो तीन पत्तियों की साल ओढ़े हुए पुजारी की मूर्ति हमें मोहन जोदड़ो से मिली है। यह सवाल भी कई बार आया है और इसी का शब्द बदल दिया गया, योगी की मूर्ति या पुरोहित राजा की मूर्ति, ये पुजारी की मूर्ति के ही नाम है। तो ये भी हमें मोहन जोदड़ो से मिले हैं। इसी तरीके से तीसरी महत्वपूर्ण बात है सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य हमें मोहन जोदड़ो से मिले हैं। और मोहन जोदड़ो का सात बार तो उत्थान हुआ यानी कि उदय हुआ, सात बार ये बना और सात बार इसका पतन हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है और कई बार ये सवालों के रूप में आया है। तो चौथी बात हो गई सात बार उत्थान और सात बार पतन। और पांचवी बात यह हो गई कि यहां से एक बौद्ध स्तूप मिला है, पांचवा पॉइंट ये हो गया। और यह है ही बिटुमिनस और जिप्सम का प्रयोग इस वृहत स्नानागार के निर्माण में नीचे हुआ है ताकि पानी रिसे नहीं, जो तत्कालीन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना दिखाई देता है। फिर आगे बढ़ो, हमें मोहन जोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है और ये कांसे की नर्तकी, इसे छठा पॉइंट देते हैं, कांसे से बनी हुई नृत्य रत नर्तकी की मूर्ति है। और यह इस स्टाइल यह शैली में है जो हमें वर्तमान फैशन की दुनिया की ओर इशारा करती है। तो इस तरीके की इसकी भाव मुद्राएं हैं जैसे आजकल की मॉडल्स की होती है, एक हाथ कमर पर मुड़ा हुआ, एक पांव थोड़ा मुड़ा हुआ, इस तरीके की एक फैशनेबल स्थिति में इसकी मुद्रा है। इसका जूड़ा बंधा हुआ है जैसे आजकल की मॉडल्स बांधती है। हाथ में कुछ बैंगल्स हैं वो भी आजकल के फैशन की ओर इशारा करते हैं। तो इस तरीके की कांसे की नर्तकी की मुद्रा में मोहन जोदड़ो से मिली है। संभवतः वो लोग भी मॉडलिंग करते होंगे, संभवतया श्योर नहीं, लेकिन ऐसा मिला है तो हम कह सकते हैं कि संभवतः ऐसा हुआ होगा। और यहीं से हमें नंबर सात बेलनाकार मोहरे मिली है और ये बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की विशेषता है और मेसोपोटामिया के संपर्क को यह बेलनाकार मोहरे इंगित करती है कि इनका संबंध मेसोपोटामिया से रहा होगा। मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला है जिसे हम सारगोन अभिलेख कहते हैं और उस सारगोन अभिलेख में मकरान तट का मकन के रूप में शब्द का प्रयोग किया गया है। दिलमुन यानी बहरीन को दिलमुन कहा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों को, स्थलों को मेलुआ कहा गया है। और इस तरीके से उसमें बताया गया है मेलुआ और सारगोन के बीच एक बेहतरीन व्यापारिक संबंध रहे थे और दिलमुन और मकन उसमें मध्यस्थ का काम करते थे और वहाँ होजा पक्षी की बड़ी डिमांड थी और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को वहाँ नाविकों का देश कहा गया है। तो इस तरीके की चीज़ वहाँ पर मिली है जो हमें मेसोपोटामिया के साथ विदेशी व्यापार को दिखाती है, क्योंकि विदेशी व्यापार के और भी कई सारे साक्ष्य विभिन्न सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में मिले हैं। फिर आप आगे बढ़िए, आठवां महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है पशुपति शिव का। अब ये पशुपति शिव रूपी जो मूर्ति है उस मूर्ति को पशुपति शिव नाम दिया है जॉन मार्शल ने।
तो इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया है। इसके तीन सींग हैं और देखते हैं कि इस मूर्ति के दाईं तरफ भैंसा और गेंडा की मूर्ति है, बाईं तरफ हाथी और बाघ की मूर्ति है। सवाल यहां से भी आया है, इसलिए ध्यान रखें। फिर हम देखते हैं नवा पॉइंट, मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब है मिट्टी की मूर्ति मिली है। इसी तरीके से दसवां पॉइंट है, यहां से तार पर सरकता हुआ बंदर का चित्रांकन है, और ये तार पर सरकता हुआ बंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है, वर्तमान में भी हम कई सारे मेलों में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। तो ये चीज हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखाई देती है, और ये मिली है मोहनजोदड़ो में। इसी प्रकार मानव एवं अर्धवाघ का चित्रांकन भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। मानव एवं अर्धवाघ, यानी कि धड़ तो है मानव का और सिर है जानवर का, ऐसा चित्रांकन मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर मिला है। हम यही तुलना करते हैं मिस्र में। मिस्र में स्फिंक्स, स्फिंक्स के अंतर्गत होता क्या है, मानव का तो सिर होता है और जानवर का धड़ होता है। तो इस तरीके का चित्रांकन हमें मिस्र की सभ्यता में मिलता है, जिन्हें स्फिंक्स कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से हमें चांदी के बर्तन मिले हैं, और सात औरतों के चित्र भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये कई सारी चीजें महत्वपूर्ण रूप से हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर हम आगे बढ़ें,